बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इन्हें पढ़ाना चाहिए। वालदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को तालीम। अम्मा कुछ खाने को है? अम्मा भूख लगी है। आप मेरा बच्चा, मैं तैयार करके ला रही हूँ, जा जाके बैठ। बैठ ला रही हूँ। ये तो दो डबल रोटी है, मैं कहाँ से दूँ इन लोगों को इतना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, घर में बच्चों का पेट भर दूंगी। ला रही हूँ मेरी बच्चियाँ, प्यारी सी बच्चियाँ मैं लेकर आई। देखा भी लेकर आई, नाश्ता तैयार है। ये ले, आ गई आ। चल आजा जल्दी से आजा मेरी बच्चियाँ। करना चाहिए, वालदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को। ये तू क्या करती रहती है, क्यों ये पढ़ती रहती है, मेरा दिल चलाती रहती है। जब तक तेरा बाप जिंदा था ना, तब मेरे को ये उम्मीद थी कि तू पढ़ जाएगी। लेकिन चल उठ, तू क्या खेल में लगी, उठ चल आके नाश्ता कर। चल उठ, चल बैठ, ये बैग हटा, बैग हटा, हट बैठ, बैठ तू भी बैठ, पढ़ने बैठ जाएंगी फालतू में। चलो जल्दी खाओ, फिर फूल बेचने भी जाना है, फिर दोपहर में पता नहीं खाने को मिले ना मिले। चल जल्दी से खा। अम्मा ये तो सिर्फ दो ही रबर रोटी हैं। अरे देखो मेरे को तो याद ही नहीं रहा, चल तू अभी खा ले। अम्मा तुम क्या खाओगी? मैं वो ना रात में खैरात की ना, मेरे को रोटी मिल गई थी, बाहर गई थी ना फूल लेने के लिए, तो मैंने वो खा ली। अब वो रात से मेरे रखी हुई थी ऐसे पेट में, तो सुबह मेरे को उल्टी हो गई। मेरे से नहीं खाया जाएगा, तुम लोग खा लो। अम्मा झूठ बोल रही हो ना तुम। मैं क्यों झूठ बोलने लगी, रात को तो ऐसी कोई चीज नहीं आई थी। तेरों को ज्यादा पता है? हाँ पता है मुझे, माओ तुम मेरी। को माफ कर, तुम यही बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा। अल्लाह मेरा कुछ मौत दे दे, मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसे मैं कहीं मैं अपनी बच्चियों को दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। किस अजाब में मेरे को अल्लाह ने डाल दिया है, ना मैं बीमा होती, ना मैं ससुराल से निकलने जाती हूँ, और ना मैं छोटी में आके अपने बच्चियों को ऐसे एक एक रोटी के ऊपर रोते हुए देखती। बच्चे बिना खड़े होते मैं बर्दाश्त करती हूँ क्या। चल चल, मेरे को भी रुला दिया, खुद भी रो पड़ी। चल नाश्ता कर, चल अब अभी फूल भी बेचने जाने हैं ना, चल। अबे यार तुम लोग गाड़ियों के शीशे कैसे चोरी करते हो? आ जाओ बताता हूँ भाई। अबे यार मैं चोरी वोरी के चक्कर में नहीं पड़ता भाई, आप दूर करे जाए, मैं दिखा दूंगा भाई, मैं कर लूंगा भाई। ठीक है भाई चलो। चलो भाई। क्या कर रहे हो? चलो क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में? चलो मैं नहीं कर रहा। चलो गजाला नवीद मर्डर की हेयरिंग है, उसकी फाइल है, कल हेयरिंग तुम अटेंड करना। ठीक है मैडम, ये देखिएगा,
जो एविडेंसेस थे उनकी लिस्ट। ये इसी केस की जो एविडेंस लिस्ट जी, है? इसी केस की। तो ये उसी फाइल में लगा दो। ठीक है। और यूटिलिटी के बिल्स आपने चेक किए इस महीने के? हाँ वो ये फाइल है, ये मैं बाद में देखूंगी। ठीक है मैडम। मैम आपके फोन पे तैमूर की कॉल आ रही है। ये तैमूर आपका पुराना ड्राइवर जो था? हाँ उसी का नंबर है। हेलो तैमूर। हेलो मैडम, वो हाँ तैमूर, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैडम वो मेरे बेटे फहीम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। फहीम को उठा कर ले गई है, क्यों, किस थाने में? हाँ मैडम मैंने मालूम किया था, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो आवारा और मुंह फट तो था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो चोरी भी कर सकता है। मैडम आप कुछ करें, उसकी माँ ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। अच्छा तैमूर परेशान नहीं हो, ये तो फुटपाथ है बहन, ना उठने बैठने की चलने फिरने की इजाजत की ऐसी। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं चलने फिरने की बात नहीं कर रही हूँ, भीख मांगने की बात कर रही हूँ, भीख मांगने की। चुप कर, अपनी जबान बंद कर, है शर्म नहीं आती? मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं यहाँ फूल बेच रही हूँ, फूल बेच रही हूँ, मेरी बेटियाँ मेहनत कर रही है। बड़ी आई, अरे कौन क्या बेच रहा है, सब पे नजर रखती हूँ मैं, जवान बेटी को लेके घूम रही है और बोल रही है भीख मांग रहे नहीं। तो तेरे को क्या आग लग रही है, जाना तू जाके अपना काम कर, मेरे काम में क्या हाथ पाट डाल रही है, काम कर। मेरा धंधा खराब किया ना, मेरा दिमाग खराब किया ना। अबे जा बेकार, भीख मांगती हो? हाँ अल्लाह के नाम पे देना साहब। जाओ किसी के घर पे झाड़ू पोछा करो। और हाँ बेटा आपसे कुछ ले देता हूँ। कितने हो गए बेटा? 50 हो गए। ले लो बेटा। ए तू जा यहाँ से, ए तू क्या खड़ा खड़ा है, ए लड़के जाओ किसी के घर पे काम काज करो जाके, भीख मांगती हो? नाम मांगती हो गई, बेचारे बन रही है वो, तेरे बच्चे का गंदा खा रही हो, तुझे तो पता नहीं है क्या खा कर आते हो मेरा, और तुम्हें तो तू तो जा ही जा रही है, चल क्या तुझे तो पता नहीं है क्या खा सकता है, तो तेरा तेरा किसी का था। हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और अगली पेशी की डेट हमें 2 हफ्ते के बाद मिलेगी। हाँ जी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, नो प्रॉब्लम जी। ओके ऑल राइट जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तैमूर ये शक्ल बनाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, तुम्हारा अपना भी कसूर है, बेटे पर नज़र तुमने रखी नहीं, वारदातियों के साथ पकड़ा गया तुम्हारा बेटा। बताया शहरोज ने तुम्हें, 2 साल पहले जब तुम हमारे पास काम करते थे, क्वार्टर में रहते थे, तो तब तो फहीम बहुत अच्छा बच्चा था, इतना तमीज़दार था, मेरे तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कोई इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकेगा। क्या किया तुमने? आप ठीक कह रही हैं मैडम, वो तो मेरी आंखों का नूर है और उसे पढ़ने का शौक भी था और आपने भी मशवरा दिया था, तो मैंने उसे मैकेनिक की दुकान से उठाकर मोहल्ले के ट्यूशन सेंटर में बिठा दिया था। तो जा रहा था स्कूल, पढ़ना शुरू हो गया था दोबारा? शुरू में तो सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा, वो खोया खोया रहने लगा, रात को घर भी देर से आने लगा और जरा जरा सी बात पे गुस्सा आने लगा उसका। तैमूर अब जो आप मुझे इतनी दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं, अपने बच्चे से आपने पूछा था कि रवैये में बदलाव क्यों आया है, कोई ध्यान दिया था उसकी तरफ? मैडम पूछने का मौका ही नहीं मिला, उसकी मोहल्ले के अबाश लड़कों से दोस्ती हो गई थी। आपके इल्म में था कि उसकी कंपनी खराब है, रोका नहीं उसे? जिंदगी ने फुर्सत ही नहीं दी। तैमूर ये सिर्फ बहाने हैं, कमाते किसके लिए हो, औलाद के लिए ही कमाते हो ना, और अगर उन्हीं का ख्याल नहीं रख पाओगे तो क्या फायदा? मैडम हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ऐसे लगते हैं कि बच्चों की तरफ तवज्जो दे ही नहीं पाते, पेट भरे उनका या तवज्जो दे उनकी तरफ। अच्छा रो नहीं है, परेशान नहीं हो, मेरा अपना दिल दुख रहा है, इतना अच्छा बच्चा है, किस किस्म के लोगों में उठ बैठ के अपना फ्यूचर खराब कर रहा है,
अब अदालत को भी इस बात पर कन्विंस करना पड़ेगा कि फहीम खुद चोर नहीं है, बस गलत सोबत में पड़ गया था। तुम अभी इस वक्त तुम परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती डांट डिपट के, लेकिन बहरहाल कोताही बरती है तुमने अपने बच्चे की तरफ। ये कल शहरोज इसकी बेल करवा लेगा, परेशान नहीं हो, जमानत होती है तो मेरे पास लेकर आना। तुमने तो फहीम से नहीं पूछा, मैं तो पूछूं पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ दी है, ट्यूशन सेंटर से क्यों भाग गया है वो बच्चा। मैडम उसकी बेल करा के मैं डायरेक्ट आपके पास ही ले आऊंगा। मैं तेरे ये सारे फूल ले लूंगा और हर फूल के बदले तुझे 100 रुपए दूंगा। साहब 100 रुपए? लेकिन साहब एक फूल तो 20 रुपए का है। वो दोस्त है मेरा, हम आपस में गपशप करते हैं। उसके लिए बेहतर है कि वो अपने उम्र के लड़कों से दोस्ती रखे और उन्हीं के साथ उठा बैठा करे। बच्चे नहीं तंग करते थे, बहुत अच्छे थे, मगर वो फराज। फराज कौन? वो वहाँ का मास्टर जो हमें ट्यूशन पढ़ाता था। हमारी बात कान खोल के सुन ले, अगर थारे को इधर भीख मांगनी है तो हमारे को बता देना होगा। 33 जा रहे हो, 200 के हिसाब से 600 बड़े 600। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत शादी के दौरान या तलाक के बाद पैदा होने वाले बच्चे के अखराजात बाप की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई शख्स तलाक के बाद बीवी और बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो मुतासर खातून मस्कूरा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से रुजू करने का हक रखती है। चल हट यहाँ से, भिखारन कहीं की, चल भाग जा। साहब फूल ले लो, 20 रुपए का एक फूल है। कितने फूल है? 10। मैं तेरे ये सारे फूल ले लूंगा और हर फूल के बदले तुझे 100 रुपए दूंगा। साहब 100 रुपए? लेकिन साहब एक फूल तो 20 रुपए का है। वो इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, उस गंदी औरत की तरह भीख मांगने के बजाय मेहनत कर रही हो। आई लाइक इट, इसलिए मैं तुम्हारे सारे फूल ले लूँगा, लेकिन मैं अपना फर्ज घर भुलाया तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे सारे पैसे घर जाके दे। साहब अपना पर्स ले आए, फूल मैं आपको बाद में दे दूंगी, आप बाद में फूल ले लेना ना। फिर आज जाती कहाँ? अपने आप को शहजादी मत समझ, भिखारन है भिखारन बन के रहे। मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा, ये ना हो ये मजबूरी तुझे खुद मजबूर कर दे और तू यहाँ सड़क पे हाथ फैला रहा हो। अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। तू भी दफा हो जा, मर जाके क्या घूर रहे। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? किन्ने मारा तेरे को? बेटा ये तो सड़क है ना, यहाँ तो हर तरह का आदमी आएगा, अब क्या करें, मजबूरी है। आ गए आप, कहाँ थे, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। तुम्हें सुबह बताया था कि ऑफिस में काम ज्यादा है, मसरूफ हूँ मैं। ऑफिस में तो नहीं थे? मुझे जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें सफाइयां पेश करूं। जरूरत है मुझे बताने की। मेरा मूड खराब मत करो। आपको तो हर वक्त मूड ही खराब रहता है, ना इंसान कोई ढंग से बात कर सकता है ना कुछ बोल सकता है। जब देखा मूड खराब है, ये खराब है, वो खराब है। जुनैद आया था? हाँ आया था, और मैंने उसे डांट के भगा दिया। भगा दिया? क्यों भगा दिया, क्या जरूरत थी भगाने की? क्यों ना भगाती, कोई काम धंधा नहीं उसको, हर 2 दिन बाद मुंह उठा के चला आता है। वो दोस्त है मेरा, हम आपस में गपशप करते हैं। उसके लिए बेहतर है कि वो अपने उम्र के लड़कों से दोस्ती रखे और उन्हीं के साथ उठा बैठा करे, और आपके हक के लिए भी यही बेहतर है कि आप अपने उम्र के लोगों से दोस्ती रखें। तुम्हारा मतलब क्या है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा, सारा सारा दिन दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, कारोबार की कोई टेंशन नहीं, और मुझे भी शोपीस बना के रखा है। बकवास बंद कर,
अब एक लफ्ज भी मत निकालना मुझे। बोलूंगी, एक नहीं एक हजार बार बोलूंगी, अगर अब वो बच्चा जुनैद वापस आए ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? धमकी दे रही है मुझे, क्या करेगी तू? हाँ बोल, क्या करेगी? शोर मचाएगी? हाँ मचाऊंगी। बकवास बंद कर, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे छोड़ के चली जाए, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे फिर से अपने उसी गरीब बाप के घर में, उसी गलीज मकान में जाना होगा और तेरी जिंदगी दोबारा गुर्बत की और महरूमियों की जिंदगी बन जाएगी। समझ गई तू? थैंक यू मैडम, अगर आप नहीं होता तो वो पुलिस वाले हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करते। फहीम बेटा, शुक्रिया की तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये परेशानी हो रही है कि आप इतने बुरे लोगों में कैसे उठना बैठना शुरू हो गए। मैं बहुत बुरा बनना चाहता हूँ, सबसे बुरा, मुझसे ऊपर कोई ना निकले, मैं बहुत बुरा बनना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई बेटा, बुरा आदमी क्यों बनना है आपने? आप तो इतने अच्छे बच्चे थे, आपके बाबा भी इतने परेशान हैं कि फहीम इतना बदल गया है, किसी से बातचीत नहीं करता, चिड़चिड़ा हो गया है, अजीब गुंडे किस्म के लोगों में उठना बैठना शुरू हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, ट्यूशन सेंटर छोड़ दिया। आप ट्यूशन सेंटर का नाम ही ना लो। क्यों, ट्यूशन सेंटर में क्या हुआ था? क्या बच्चे तंग करते थे वहाँ? बच्चे नहीं तंग करते थे, बहुत अच्छे थे, मगर वो फराज। फराज कौन? वो वहाँ का मास्टर जो हमें ट्यूशन पढ़ाता था। तो बेटा, ऐसा क्या किया फराज ने कि आपने ट्यूशन सेंटर जाना छोड़ दिया? मगर ये बात मैं पापा को कैसे बताऊं? बेटा, आई एम सो सॉरी, बहुत अफसोस, दुनिया में बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन बेटा आपको अपने बाबा को ये बात बतानी चाहिए थी, इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मास्टर ने आपके साथ कोई बुराई की है तो वो बुरा हुआ ना, और अगर एक बुरा हादसा आपके साथ हो गया बेटा जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो अब उसकी वजह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करो ना। अगर आप किसी बड़े को बता देते ना तो अभी तक हम उस मास्टर को पकड़ लेते, पुलिस के हवाले करते। कैसे उसकी हिम्मत हुई कि आपके साथ या किसी बच्चे के साथ वो इस किस्म की हरकत करे? बेटा आई एम वेरी सॉरी, आपके साथ जो हुआ है उसकी तलाफी तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। उस मास्टर को हम अदालत में लेकर जाएंगे। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको अदालत में हम बुलाएं तो आप उसके खिलाफ गवाही दोगे? आप बताओगे जज साहब को कि इसने क्या किया आपके साथ? इतने बहादुर हो? ये हमारा इलाका है, समझी थे? इधर भीख मांगनी है तो हमसे इजाजत लेना ही पड़ेगी। और बैठी क्या है थे? उठो। हाँ, हाँ, भाई अपन लोग भिखारी नहीं है। और कोई भिखारी अपने आप को भिखारी थोड़ी बोलता है। और चंद्रा, ते कौन है बता? मैं तो मधुबाला हूँ, मधुबाला। अरे सुन ले, मधुबाला आई है। और ते मारी बात कान खोल के सुन ले, अगर थारे को इधर भीख मांगनी है तो हमारे को बता देना होगा। ते तीन जा रहे हो, 200 के हिसाब से 600 बोले 600, लेकिन चल ते 400 देती हो बस। साहब मैं तो 300 ज्यादा ज्यादा 350 रुपए कमाती हूँ, वो भी अपने बच्चों के लिए, आपको कैसे दे दूँ? झूठी, 350 कमाती हूँ। और चल रहा, कितने कमाती है तू? मैं तो 1000 रुपए कमाती हूँ, 1000। सुन ले, तू ऐसा कर, तू इन दोनों को हमारे साथ भेज दे, ये चंदा की तरह रोज के 1000-1000 रुपया कमाया करेंगी, और वैसे भी चंदा तो हो गई है बूढ़ी, ये तो नौजवान है नौजवान। साहब हमारे ऊपर जुलम ना करो, हमारे ऐसा नहीं करो, ये मेरी बच्चियां हैं, मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकती, मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके कमा रही हूँ, इनको पाल रही हूँ। ज्यादा बात ना कर मेरे पास, ते भूखी क्यों मरेगी? थारे पास तो दो दो ही रहे, दो दो ही रहे, ते तो चंद्रा से भी ज्यादा कमाएगी, ये तो हजार कमाए ना, ते हजारों कमाएगी, हजारों, समझी? मेरे को ऐसी चीजें नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटियों को कहीं नहीं भेजूंगी, मेरे को नहीं चाहिए।
ज्यादा बकवास नहीं कर, बस हमारी बात शराफत से सुन ले। अगर तुम इनको हमारे हवाले शराफत से ना किया ना, तो इनको गायब कराना हमारे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। भेज दे, ते भी खुश रहेगी। भाई मैं कोई है मेरे को बता। वो इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। इनको हमारे हवाले शराफत से ना दिया ना, तो इनको गायब कराना हमारे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। तो दो दो ही रहे, दो दो ही रहे। मेरे बच्चों की मदद करना, बच्चा बच्चा सी बेसहारा बेकसूर की मदद फरमा दे, मेरे बच्चियों की मदद फरमा। अल्लाह पाक तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफूर है। बस कर दे झूठ बोलना, आपकी औकात पता चल गई है हमें। कितनी खिदमत कर रहे हैं आप मुआशरे की, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं आप। ठीक है मैडम, पुलिस की तली हमें ना लगा, हम पुलिस से डरते नहीं है। बहरी नहीं हुई, तुम्हारा मकरू चेहरा देख रही हूँ। मकरू चेहरा क्या मतलब है तुम्हारा? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 359 के तहत किसी को अगवा करना एक काबिले ताज़ीर जुर्म है, और दफा 363 के तहत इस जुर्म में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफा 364 के तहत कत्ल करने की नीयत से अगवा करने के जुर्म में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है, जबकि दफा 365A के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे को कत्ल करने या गुलाम बनाने की नीयत से अगवा करने की पादाश में सजाए मौत या उम्र कैद होगी। मैडम ये है वो ऐवान जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है। ये क्या 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 कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये शर्म करें, ड्रामेबाजी खत्म करें। फहीम ने सब कुछ बता दिया हमें। फहीम? हाँ अच्छा, इनका बेटा भाई माशाल्लाह पढ़ने में बहुत तेज था, और मेरी तो खास मेहनत थी उसके लिए कि ये पढ़ लिख कर हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, बाप दादा का नाम रोशन करे। मैडम इसने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की, इसने मेरे। क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? देखिए मैं उस्ताद हूँ और बच्चों को खास तरह मुफ्त तालीम देता हूँ मैं, आपको गलत फहमी हुई है। बस कर दे झूठ बोलना, आपकी औकात पता चल गई है हमें। कितनी खिदमत कर रहे हैं आप मुआशरे की, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं आप। नहीं आपको गलत फहमी, इंसान जानवर हो तुम। ये गलत फहमी हो रही है आपको, शायद किसी और ने किया और शायद मुझे बदनाम करने की साजिश थी। उस्ताद नहीं, सांप है सांप, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के हवाले करते हैं हम, पकड़े लेके चलो मैडम, इसको लेके चलो। आपको गलत फहमी हुई है। अभी बाकी बच्चों के वालिदैन भी इंतजार कर रहे हैं, नीचे लोग जमा हुए हुए हैं अच्छे खासे। मैंने कुछ नहीं किया। भाई अभी तो देख, अभी तक कुछ भी नहीं बिका, बस थोड़े से रह गए, ये भी निकाल दूंगी। बड़ी लगी पर नहीं पता है, अभी देखता हूँ लोगों को मैं। क्या ये है, समझ कर तुम्हारे को मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज्यादा बकवास की मेरी बच्ची चाप लगा। गुंडागर्दी मचाई हुई है, पीछे लो। क्या गुंडागर्दी है?
इधर तमीज से बात कर, पता है किससे बात कर रहा है? हां तमीज के बच्चे चल निकल यहां से। ओ पानी तुसी परेशान हो, ये पानी है मेरी और घर से भाग गई है ये। झूठ बोल रही बीबी जी, ये मेरी बेटी है, मेरी अपनी। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। ठीक है मैडम, वो पुलिस की तली हमें ना लगा, हम पुलिस से डरते नहीं है। गुंडागर्दी नहीं दिखाओ मुझे, निकलो यहां से। शरा शरा ये वकील आमना कबीर टीवी पे आती है, निकल करो, निकलो यहां से। चला आजा, चला आजा। मैं और तेरे तो घर भी जगह टुकड़े कर लूंगा, टुकड़े तेरे। चला बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, आजा। क्या हुआ बीबी जी? मैं यहाँ पे ना फूल बेचती हूँ, भिखारी नहीं हूँ। ये गुंडा ये धमकियाँ दे के जाता रोज है ना मुझे। अभी कोई और जगह है, घर ना जाओ इसको, अगर तुम्हारा घर पता है तो। हाँ कहीं और इनको एक शाम के लिए रख लो, यहाँ सड़क पे बात नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपने दफ्तर का पता देती हूँ, मेरे पास दफ्तर आओ, तुम्हारा मसला हल करती हूँ। बेटा इसको इस पे पता लिखा है, किसी से भी पूछना मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है? घर नहीं जाना, अभी इनको कहीं और लेकर एक रात रह लो, परेशान नहीं हो। चले आप आए। मुमताज, मुमताज, मुमताज कहाँ हो भाई? पानी दो एक गिलास। मुमताज, अरे कहाँ मर गई हो, सुन नहीं रहे हो क्या? मुमताज, ये तुम क्या मोबाइल में लगी हुई हो, कब से आवाजें दे रहा हूं, बहरी हो गई हो क्या? बहरी नहीं हुई, तुम्हारा मकरू चेहरा देख रही हूं। मकरू चेहरा क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा असली चेहरा जो सारी दुनिया के सामने आ चुका है। देखो ये वीडियो, जिसने तुम्हारे चेहरे की शराफत को नोच दिया। ये वीडियो तुम्हारे पास कहां से आई? इसे डिलीट कर दो। पहले तो मुझे शक था इसलिए चुप थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पुलिस स्टेशन तो मैं जाऊंगी और तुम्हारी रिपोर्ट भी करवाऊंगी। मुमताज, मुमताज, अगर इसने वाकई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी तो? नहीं, इससे पहले कि पुलिस यहां है मुझे यहां से निकलना होगा, निकलना होगा। हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मैं कहां जाऊंगी इन बच्चों को लेके? बहुत जुल्म हुए हमारे साथ, बहुत जुल्म। सड़क पे बैठते ना कैसी कैसी बातें करके जाते। मैं अपनी बच्चों को देखू, मेरे को बोलते, मेरी बच्चों को बोलते, पर लोग ऐसे नहीं है, गरीब घर के लोग है। आज बहुत खुश हूँ भाई कि तुम्हें ये जॉब मिल गई। अब देखना बाबा भी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बीमार। मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के तहत एक औरत अगर शौहर के साथ ना रहना चाहे तो खुला की दरख्वास्त अदालत में दे सकती है और अदालत 6 माह में उसकी दरख्वास्त पर फैसला देने की पाबंद है। खुला के मुकदमात के ताज़ा आदाद शुमार मुरतब नहीं मिलते। एक पुरानी तहकीक के मुताबिक 2007 में पाकिस्तान में खुला की 2085 दरख्वास्तें फाइल हुई थी। औरतें ज्यादातर घरेलू तशद्दुद या फिर शौहर की जानिब से ना नफका ना मिलने के सबब खुला के लिए अदालत से रुजू करती हैं। मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं तो मेरे को ना ये समाज ने भिखारन बना दिया। मेरे बहुत बुरे हालात में, बहुत तकलीफ में हूँ बाजी। इस दुनिया की डगर ने ना इस नहर पे लाके फेंक दिया अपन को, कि मैं अपने आप को और अपनी बच्चियों को ना ये कोस नहीं समझ सकती। शोहर के मरने के बाद और अपने के लोगों ने ना ऐसे लालच रखी कि
बदबख्ते ने मेरी जिंदगी का रास्ता देख लिया। छोड़ो मेरे को, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे को, छोड़ो। ऐसा जुल्म ना करो हमारे साथ, ऐसा जुल्म मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके? ओ भाभी, कहीं भी जा मगर इस घर से निकल जा। तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के, तुम्हारे भाई ने मरते वक्त कहा था ना कि इन बच्चियों का और भाभी का ख्याल रखना, इनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। ऐसे तो नहीं करो मैं तुम्हारे। हाँ हाँ, किया था वादा और वो वादा मैंने 2 साल निभाया और तुझ बेवा और इन 3 बच्चों को पाला, मगर अब तुम्हारा मैं बोझ नहीं उठा सकता। निकल जाओ इधर से। बोझ? हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया, ये बात कह रहे हो? बस भाभी बस, ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मारे। पढ़ाया लिखाया तो एहसान किया है, सब भाई करते हैं। और बस 2 साल हमने बहुत सह लिया है, या इन यतीमों पे सारा पैसा लुटा दे। तू तो मेरे को बचपन से जानती है ना, मेरी बात तो सुन ले, मुंह क्यों मोड़ रही? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। चलो निकलो इधर से। चाचा माफ कर दो, नहीं निकालो हमें। शाबाश। अम्मी सामान देखते हो? तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? धक्के मार के निकालो इनको बाहर। ये भी देखती हूँ कैसे निकाल दो तुम लोग घर का मेरा। बहुत जुलम हुए हमारे साथ, बहुत जुलम हुए। सड़क पे बैठते ना कैसी बातें करके जाते हैं। मैं अपनी बच्चियों को देखूं, मेरे को बोलते, मेरी बच्चियों को बोलते, ऊपर लोग ऐसे नहीं है, गरीब घर के लोग हैं, लेकिन भिखारी नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं। यकीन है, मुझे तो खुद हैरत हो रही थी कि इतनी प्यारी बच्चियाँ ये फुटपाथ पर इस तरह क्यों बैठी हुई हैं। बहुत दुख हुआ मुझे देखकर, लेकिन आप हौसला रखें, परेशान नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ऐसे बच्चों की किफालत करते हैं, माली इमदाद भी करते हैं। नहीं नहीं बीबी जी, मैं मेहनत कर सकती हूँ। माशाल्लाह, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, बहुत हिम्मत वाली खातून है। इतनी हिम्मत है तो फिर रो क्यों रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो मैं चंद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की मदद करते हैं और उनको बग़ैर सूद के कर्जा देते हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। आप अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकती हैं, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी। और ये भी आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बच्चियों को हम दोबारा स्कूल में डलवाते हैं। तालीम हासिल करना चाहती हैं ना वो? वकला के दलाइल, गवाहों के बयानात और हालात व वाकयात का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम फराज सिद्दीक पर मुतासरीन के अहले खाना की तरफ से आयद करदा ज्यादती के इल्जाम दुरुस्त हैं। यह अदालत तदरीस के मुकद्दस पेशे की तस्दीर करने वाले इस दरिंदा सिफत इंसान को 10 लाख रुपए जुर्माने और उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम आपी, मैं फ्री हो गई हूँ, आपको कितनी देर लगेगी? मेरे पास 2 पेशेंट्स रह गए, मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगी, तुम यहाँ आ जाओ, साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे भी पहुँचने में आधा घंटा ही लगेगा, बस मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। रक्षा, मैं आज बहुत खुश हूँ भाई कि तुम्हें ये जॉब मिल गई। अब देखना बाबा भी शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं जॉब के लिए बहुत कमिटेड था, बहुत फोकस किया है, तब जाके जॉब मिली। और तुम्हें इस मेहनत ने देखो कितना बदल दिया, वरना तुम तो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ आवारागर्दी करते रहते थे। हाँ मुझे याद है, अब सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है।
अगर मैं इसी तरह उस सियाही के अंधेरे में मौजूद होता ना, तो शायद मैं अपना सब कुछ और अपना वजूद खो चुका होता। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरा हाथ थामा, मुझे हौसला दिया, मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस एहसान का कर्ज किस तरह उतारूँ, किस तरह इसकी कीमत चुकाऊँ। इसकी एक ही सूरत है फहीम, कि तुम भी उन बच्चों का हाथ थाम लो जो आज उस अंधेरे में भटक रहे हैं जिसमें कल तुम भटकते थे, जिसने तुम्हारे जख्मीर को जख्मी कर दिया था। उन बच्चों का साथ दो, जिस तरह तुम्हें किसी ने राह दिखाई थी, तुम भी किसी को राह दिखाओ। तुम ठीक कहती हो, एक चिराग से कई चिराग जल सकते हैं। ये अम्मी को सरप्राइज देने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? अभी अम्मी ने कितना कुछ किया है ना हमारे लिए। अब्बू के इंतकाल के बाद हमें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। तो आज जब हम दोनों को तनख्वाह मिली, तो मैंने सोचा कि हम उनकी सालगिरह मनाते हैं, इसीलिए बस मेरे जहन में सरप्राइज का ख्याल आ गया। सोचती हूँ अगर आज भी हम उस फुटपाथ पर होते और कुदरत पर्वत हमारी मदद नहीं करती, तो ना जाने हम लोग कहाँ होते, ना जाने कितने साने कितने वाकयात हो चुके होते और हमारे साथ पता नहीं क्या हो चुका है। नाम पे दे बाबा, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बीमार की मदद कर दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ, मैं बहुत बीमार, कुछ मदद कर। मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा, ये नाओ ये मजबूरी तुझे खुद मजबूर कर दे, और तू यहाँ सड़क पे हाथ फैला रहा हो। कुछ मदद कर दो बाबा की। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।